रेगिस्तान में माइनस में पहुंच गया पारा। शिमला से भी ज्यादा ठंडे हुए राजस्थान के कई शहर। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में पारा पहुंचा -4 डिग्री। राजस्थान के माउंट आबू में जमने लगी है बर्फ। अब की बार राजस्थान में ठंड का जोरदार प्रहार। नए साल का ठंड से स्वागत राजस्थान भी कर रहा है। जी हाँ, वही राजस्थान जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है, लेकिन इस वक्त जो राजस्थान के हालात हैं उसके बारे में सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ, राजस्थान के बारह जिले इस वक्त कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं। इन 12 जिलों में भयंकर शीतलहर चल रही है। ठंडी हवा हड्डियों में से पार हो रही है। लेकिन राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ठंड के बारे में सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। जी हां, हम आपको बता दें कि फतेहपुर शेखावटी में पारा -4 डिग्री सेल्सियस चला गया है। जी हां, चौंकना लाजमी है क्योंकि राजस्थान का यह शहर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी कई इलाकों से ज्यादा ठंडा है। फतेहपुर शेखावटी ने पहाड़ों की रानी शिमला को भी ठंड के मामले में पीछे छोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पारा 0.9 डिग्री सेल्सियस है, जबकि फतेहपुर शेखावटी और माउंट आबू में पारा -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल के मनाली डलहौजी से भी कम पारा राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी और माउंट आबू में रिकॉर्ड हुआ है। फतेहपुर शेखावटी में ठंड का अंदाजा इन तस्वीरों से हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि गमले में भरा पानी बर्फ बन चुका है और उसके ऊपर फोन रखा है। पेड़ों की टहनियों पर ओस की टपकती बूंदें बर्फ बन चुकी हैं। खेतों में खड़ी झाड़ियों पर भी आपको बर्फी बर्फ दिखाई देगी। आज माइनस में 4.0 डिग्री टेम्परेचर है। लगातार 4 दिन से माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। कल माइनस में 3.0 था, उससे पहले दिन माइनस में 3.2 था, उससे पहले माइनस में 2.6। लगातार 4 दिन से माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। पारा माइनस में जाने का नतीजा ये हुआ है कि कारों की छतों पर बर्फ जमी हुई है। खुले में रखा पानी बर्फ बन चुका है। पाइपलाइन में पानी जम चुका है। खेतों में निकल जाओ तो बर्फ ही बर्फ नजर आती है। ठंड का जो लहर चल रहा है, इस पे जो अभी की जो फसलें हैं, बैंगन है, मिर्ची है, टमाटर है, सरसों है, इनमें खासकर नियरली 70-80% इसका प्रभाव रहता है पाले का। और गेहूं और जौ की बात करें तो 10-20%। ठंड से बचने के लिए लोग आग के सामने ही बैठे हुए हैं। फतेहपुर शेखावटी में कई दिन से पारा माइनस में ही चल रहा है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में भी पारा लगातार 3 दिन से -4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और इसका असर ये हुआ है कि कार पर बर्फ जमी हुई है। ये देखिए कैसे ये शख्स कार से बर्फ हटा रहा है और इसने बर्फ को खुरच खुरच कर माउंट आबू लिख दिया है। गमलों में रखा हुआ पानी भी बर्फ बन गया है। खेतों में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। लोग हाथों में बर्फ की परतें उठा उठा कर दिखा रहे हैं। खेतों में फसलों पर बर्फ की परत चढ़ी है। पार्कों में लगे फव्वारों में बर्फ जम गई है और इन सब के बीच कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। कितनी बार आ चुके हैं आप ये दिसंबर के महीने में? मैं लास्ट ईयर भी आई थी, इस बार ज्यादा लग रही है। आप क्या बताएंगे, कैसे महसूस कर रहे हैं इस ठंड को? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ठंडी राजस्थान के चूरू शहर की तस्वीरें भी देखिए। फसलों पर पानी बर्फ बन चुका है। हम आपको बता दें कि ये वही चूरू है जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री के पार चला जाता है और रेत पर रोटियां और पापड़ भी सिकने लगते हैं। इस वक्त यहां के हालात ऐसे हैं कि रात में फसलों में पानी लगाओ तो सुबह बर्फ बना हुआ मिलता है। चूरू में पारा -1.3 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है, यानी यहाँ भी शिमला से ज्यादा ठंड है।
राजस्थान के रेगिस्तान में हर जमा देने वाली ठंड पड़नी शुरू हो गई है। अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो 5 शहरों में तापमान माइनस में है, जबकि 15 शहरों में तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास बना रहता है, धूप निकलती है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से धूप निकलने के बावजूद हवाओं में इतना गलन है कि लोग आग तापते हुए सड़क किनारे निकल नजर आ जाएंगे आपको। मगर वहीं अगर फतेहपुर की बात करें, माउंट आबू की बात करें, चूरू की बात करें, तो वहाँ -4 डिग्री तक तापमान चला गया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से रेगिस्तानी इलाकों में जो पानी है वो जम गया है। बर्फ राजस्थान के भरतपुर में भी जम रही है। आप देख सकते हैं कि स्कूटी की सीट पर बर्फ है, कार के शीशे पर बर्फ जमी है, खेतों में भी बर्फ की सफेद चादर दिखाई पड़ रही है। भरतपुर में भी पारा माइनस में चल रहा है और कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है।